भैया मेरा रामचंद्र नागर। देखो आज अपने टोयोटा क्लेंजा को अपने यार पूरा 1 ईयर हो चुका है अपनी फैमिली में आए हुए, तो इसके अंदर यार क्या क्या अपने को फ़ायदे लगे और अपने को कितना क्या मेंटेनेंस रहा, इसका कितने क्या एवरेज रही है जो ऑल ओवर अपन इस वीडियो के अंदर पूरा करेंगे। इसके फ्रंट से बात करें तो यार इसके सबसे बेकार चीज़ मेरे को सबसे इस गाड़ी के अंदर ऐसे लगती है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो कि इसके अंदर सबसे कम मिल जाती है देखने के लिए। भाई ये देखो अभी भी इसके अंदर निशान पड़ ही रखे हैं, देखो निशान नहीं है भाई, ये मिट्टी के निशान है ये, जो अभी हमारे यहाँ मिट्टी डलवाई थी यार उसके अंदर इतनी सी भी झेल नहीं पाई। देखो ये इसके अंदर रेडिएटर की तरफ जाने का यार खतरा ही बना रहता है देखो मिट्टी का, तो क्या है पूरी ऑल ओवर अंदर की तरफ चली जाती है यार मिट्टी, नीचे जैसे ही टच होगी तो इसकी मिट्टी यार की पार रेडिएटर की तरफ ही चली जाती है यार, ऐसा कुछ बेकार लगता है मेरे को ऐसे सीन इसके अंदर। और इसकी क्या है हॉर्न की प्लेसमेंट भी कुछ नीचे की तरफ ही दे रखी है यार, देखो ये तो सबसे बेकार लगी मेरे को। इसके अंदर दो ऑन है हाई टोन लो टोन की, इसके अंदर क्या है नीचे की तरफ ही दे रखी है दोनों हॉर्न भी, ये मेरे को इसकी सबसे बेकार लगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जो कि इसके ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड है जो कि सबसे कम देखने के लिए मिल जाती है हमें इस गाड़ी के अंदर। और इसकी हम सेकंड थिंग की बात करें ना तो इसके अंदर और सबसे सेकंड थिंग देखो इसके अंदर क्या है, इसकी सेकंड थिंग देखने के लिए मिल जाती है जो कि यार इसके इससे रिलेटेड है। देखो मैं बताऊँ आपको, ये इसकी पार्सल ट्रे पीछे की रियर पार्सल ट्रे जो कि सबसे बेकार चीप क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है भाई, सबसे बेकार। ये कुछ ही दिनों के यार आप कोई सी व्हीकल ले लो उसके अंदर कुछ ही दिनों के अंदर डैमेज हो जाएगी आपकी ये। हालांकि मैं बात नहीं कर रहा इसी व्हीकल की, आप कोई से भी व्हीकल ले लो उसके अंदर यार ये जल्दी डैमेज हो जाएगी, चाहे आप नई भी निकलवा लो। अभी हाल फिलहाल में जो फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ ना इसका वो भी निकला लो, उसके अंदर भी ऐसा ही हाल रहेगा कुछ, क्योंकि यार पार्सल ट्रे के अंदर तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता हमें, थोड़ा बहुत ही देखने के लिए मिलता है। फिर वो यार इनकी सबकी क्वालिटी तो एक ही डालते हैं, देखो ये दिन प्रतिदिन इसको कम ही करते हैं, इसको इंक्रीज़ नहीं करते। जैसे जैसे कि मान लो आप सेफ्टी को मान लो जैसे इससे घटिया ही निकालेंगे सेफ्टी। अभी जैसे आप सुनोगे यार किसी के पास कि यार पहले तो हाल कही जाता है लोग कोई सी गाड़ी ले लो, पर वो सेफ्टी रेटिंग के अंदर बढ़िया है अभी यार ही निकल जाती है यार 5 स्टार टाटा की गाड़ियाँ तो अच्छी अच्छी सेफ्टी रेटिंग ले आती है। और इसके अंदर तो देखो मेनली मेरे को दो ही रीज़न लगे बेकार वाले जो कि इसके ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड है और इसकी पार्सल ट्रे से रिलेटेड है। और तो भाई इसके अंदर सभी ऑल ओवर जितने भी पार्ट्स है भाई लाजवाब, इसका एलॉय व्हील ले लो सब XYZ भाई ऐसे कि ऐसे एलॉय व्हील हमें टोयोटा इनोवा के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। लगभग थोड़ा सा ही चेंजेस मिलेगा ये टोयोटा इनोवा के अंदर एज इट इज़ कॉपी पेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, वही 16 इंच की एलॉय व्हील ऐसे कि ऐसे देखने के लिए मिल जाते हैं हमें। फ्रंट से अच्छाइयों के बारे में बात करें तो देखो फ्रंट से बात करें तो अपनी टोयोटा क्लेंजा की जो कि इसके अंदर यार हमें फ्रंट के अंदर इसके हेडलैम्प से बात करते हैं। देखो फ्रंट के अंदर हमें LED हेड प्रोजेक्टेड हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाते हैं, फ्रंट से कुछ ग्रिल देखने के लिए मिलती है हमें, और सबसे बढ़िया इसका टोयोटा का लोगो देखने के लिए मिलता है हमें इस गाड़ी के अंदर। और बात करें तो इसके अंदर ये हैलोजन फॉग लैम्प देखने के लिए मिलता है हमें जो कि यार इस गाड़ी के लिए अच्छा ही है। और हमें इसकी मेंटेनेंस के बारे में बात करूँ ना, मेंटेनेंस तो भाई इसका 0 ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल भी, हमें अभी तक इसकी 3 सर्विस हुई है भाई 0 ऑफ कॉस्ट है, बस लेबर चार्ज भी नहीं लगा हमें अभी तक 3 पेड सर्विस एक भी नहीं हुई इसकी। जैसे ही पेड सर्विस होगी तो उसकी एक वीडियो आ जाएगी, या पेड सर्विस लगभग दिवाली के आसपास रहेगी। देखो अभी जैसे ही अपने सर्विस करवाएंगे ना अपने व्हीकल की तो आपको वीडियो डाल दूंगा मैं अपने चैनल पर कितने क्या पड़ती है कैसे क्या रहती है भाई, यह गाड़ी अपने लिए बहुत बढ़िया है। आप एल्टो चला लो या इसको चला लो बात बराबर है मेरे हिसाब से। देखो इसके अंदर यार फीचर भी बढ़िया मिल जाते हैं, 1200cc इंजन देखने के लिए मिल जाते हैं यार AC चालू करने पर, जैसे एल्टो की कई जैसी कई गाड़ियाँ रहती है स्विफ्ट से तो मैं काफ़ी बेटर मानता हूँ, हालांकि इंजन एक ही आता है दोनों व्हीकल के अंदर, पर यार लुक वाइज तो इसको भी ज़्यादा बेटर मानता हूँ इस वाली गाड़ी को। इसके अंदर तो बस एक ही प्रॉब्लम है ये ग्राउंड क्लियरेंस की, इसके अलावा इसके अंदर हमें और कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलती। और बात करें ना इसके इंटीरियर में, और तो यार मेरे को कई दिनों तक तो इसका यार ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ही समझ भी नहीं आया, हालांकि कंपनी ने फीचर दे रखा है मेरे को भी पता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होता है ऐसे होता है वैसे होता है ऐसे काम आता है, पर मेरे को तो आज तक समझ भी नहीं आया था, बट मैंने हाल ही में थोड़े दिनों में सीखा था, मतलब ये 1-2 महीने तक तो मेरे को समझ भी नहीं आया था, अभी हाल ही में थोड़ा बहुत पता चला है कि इसका क्लाइमेट कंट्रोल इस तरीके से वर्क करता है। यार थोड़ी गर्मी ये क्या है गर्मी बढ़ जाती है यार अंदर की तरफ गाड़ी के अंदर बैठने की इच्छा नहीं होती। फिर इस गाड़ी को रखते हुए मैं 1 साल पूरा होने को आया, पर इसके अंदर यार इंटीरियर से बाहर से तो देखो 2 प्रॉब्लम फेस हुई थी हमें, देखो बाहर से तो एक हुई थी, अंदर से एक तो पार्सल ट्रे की
पार्सल ट्रे से रिलेटेड है और इसके एक स्विच से रिलेटेड है जो कभी कभी ही प्रॉब्लम फेस होती है अपने को देखने के लिए। देखो मैं बताऊँ आपको, इसको क्या है, सुबह मैं ही चलाया था अभी, ये ऐसा कुछ टोटा का लोग आता है। पापा हमेशा कहते हैं, अभी इसके अंदर बताऊं क्या प्रॉब्लम फेस हुई थी मेरे को बीच के अंदर, अभी हाल ही में तो वो कभी कभी बार खुद ही ऑटोमेटिक सही हो जाती है, कभी कभी नहीं भी होती है। बताऊं क्या है वो, जो कि इसके वॉल्यूम कम, देखो अभी भी नहीं वर्क करी है, देखो वॉल्यूम डाउन से रिलेटेड, वॉल्यूम कम करते हैं ना, जैसे अभी अभी मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, देखो देखो मैं अभी प्रेस करता हूँ कोई भी, देखो अभी मैं प्रेस कर दिया इसको, कोई देखो प्रेस कर रहा हूँ इसको अभी, इतने करने के बाद में है ना ये वर्क करने लगी है भाई, ये सबसे बेकार लगती है मेरे को इसके अंदर। और यही मेरे को ऐसी कुछ प्रॉब्लम फेस हुई थी इंटीरियर से रिलेटेड, और तो मेरे को कुछ भी अपनी गाड़ी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं थी। और इसकी यार ये देखो भाई, एक बार कोई भी नई गाड़ी खरीदने से सोचते ना पहले तो एक बार इनका टेस्ट कर लेना, क्योंकि मेरे को तो ऑलरेडी पता था कि अपनी गाड़ी के अंदर ऐसी ऐसी चीप क्वालिटीज है, जैसे इसका डैशबोर्ड सबसे बेकार देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मैं अभी अभी तो ऑटो के अंदर नीचे की तरफ चली गई, अभी मैं ऊपर की तरफ लूँगा ना, जैसे ये आ रही है देखो यहाँ से, देखो ये बिल्कुल ऐसे ही, इनको थोड़ा हार्ड देना चाहिए था यार, ऐसे कैसे चीप क्वालिटी देखती है यार गाड़ी के अंदर, तभी तो मेरे को यार ऐसी चीज़ें बेकार लगती है गाड़ी के अंदर। अपन कोई 10 लाख रुपये खर्च करे तो यार कुछ फीचर्स के अलावा कुछ सेफ्टी सेफ्टी वाइज भी तो दो यार, कुछ अंदर से बाहर से। और यार ये देखो सबसे मेनली डोर पर ये गंदा हो गया, जो अभी तक ज़्यादा दिन नहीं हुए इसको, फिर भी अभी से ही गंदा हो गया यार ये देखो। एक साल के अंदर ऐसी हालत हो जाएगी तो दो तीन साल के अंदर तो हमें सेल करनी पड़ जाएगी गाड़ी को ऐसे तो, यही तो यार। और इसके अंदर सबसे बड़ी बेकार चीज़ बताऊँ तो आपको यार, ऐसी तो पहले पुरानी वाली एल्टो के अंदर देखने के लिए मिलती थी, एल्टो ऐसे कुछ रहती है ना जो कि इंजन नंबर इस तरीके से रिलेटेड आते हैं, देखो इस तरीके से लिखे हुए आते हैं। देखो यार अभी अभी कोई यार कोई बच्चा आ गया ना, जैसे कोई गाड़ी में धो रहा हूँ अभी ये मान लो, बाय द वे कोई बच्चा ऐसे कर करके इसको फोल्ड कर जाएगा, कोई मतलब का ही नहीं है यार। इंजन नंबर कहाँ दे रखे हैं भाई, यहाँ पे भी कोई 34 नंबर है, सॉरी इंजन नंबर दो अंदर की तरफ होंगे मेरे हिसाब से, 34 नंबर देखो इसके इंजन नंबर भी है, देखो सॉरी यार मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया, इंजन नंबर भी देखो कहाँ दे रखे हैं यार इसके। अभी कोई भी छोटा सा बच्चा आएगा तो इसको उपाड़ के ले जाएगा, इंजन नंबर तो अलग है, हालांकि गाड़ी के अंदर तो वापस लगवाना पड़ेगा, कंपनी से तो ये सही लिखे हुए आते, जो कि यार कोई भी उपाड़ के ले जाएगा तो फिर क्या ही बताए यार, थोड़ा बहुत तो सोचते हैं यार टोयोटा वाले। हालांकि मारुति भी यही देती है पर आपको तो थोड़ा अलग जगह दे देते यार, थोड़ा टोयोटा का नाम किर्लोस्कर मोटर, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, थोड़ा बहुत सोचते यार क्या यहाँ पर दे रहे हो यार इंजन के लिए, अंदर की तरफ ही दे देते यार। ये गाड़ी अपनी ऑल ओवर देखो टोयोटा से ही देखने के लिए मिलती है, देखो इसके अंदर मारुति के नाम से एक भी कोई चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगी, ऑल ओवर जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं इसके अंदर मेरे हिसाब से टोयोटा के ही लगे हुए हैं, हालांकि बनती मैन्युफैक्चर होती होगी मारुति के अंदर, ऑल ओवर जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं जो कि टोयोटा के लगे हुए हैं। अभी तक तो मैं इसके अंदर कहीं पर भी नहीं देखा कि यहाँ पर मारुति का बेजिंग दे रखी है, मारुति की बेजिंग दे रखी है इसके अंदर, ऑल ओवर जितने भी है ना उसके अंदर टोयोटा की ही बेजिंग दे रखी है। जैसे मैं आपको अभी इंजन खोल के दिखा देता हूँ, हमें ऐसा कुछ देखने के लिए मिल जाता है इसका इंजन, जो कि यार इसके अंदर अभी चूहे एंटर कर चुके यार, पता नहीं मैं कितना तो इसको बाहर निकालने की कोशिश कर चुका, देखिए चूहे यार मानते ही नहीं है, पता नहीं क्या ही निकालो। आपके पास कोई भी आइडिया हो तो कमेंट में दे करो यार थोड़ा बहुत, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और अपन बात करें ना तो इसकी, इसमें देखो इंजन से रिलेटेड हमें एक भी खर्चा नहीं हुआ अभी तक, देखो जीरो कॉस्ट है, देखो सर्विस के अलावा में इसके अंदर कोई भी खर्चा देखने के लिए फेस नहीं हुआ। और एज ए टी जैसे कि ऐसे अपनी गाड़ी एज ए कंपनी से निकला लो या फिर और आप कहीं पे भी देख लो, देखो कंपनी से कंपनी की तरह ही रखी हुई है मैंने अभी तक इस गाड़ी को, इसके अंदर जीरो ऑफ कॉस्ट मेंटेनेंस देखने के लिए मिल जाता है हमें अभी तक, हमने ना ही तो इसमें 1 रुपये लगाया इंजन के अंदर, ना ही कुछ किया इसके अंदर। अभी यार अपनी बोलेरो भी आ गई शायद मेरे हिसाब से, बोलेरो यार आज कहीं पर गई हुई थी इस कारण वीडियो शूट नहीं हो पाई, जो कि अभी आ गई है, अभी थोड़ी देर में उसके भी वीडियो शूट करूँगा जो कि आपको इससे अगले वाले नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलेगी देखने के लिए। कह रहे थे सोचते होंगे कि यार अपनी गाड़ी तो ले ले पर यार उसका मेंटेनेंस कैसे क्या रहता है, देखो आज अपने को पूरा 1 साल होने को आया कि अपनी गाड़ी को खरीदे हुए कि कितने के क्या मेंटेनेंस रहती है इस गाड़ी का, कितने क्या खर्चा रहता है, मतलब कैसे क्या रहती है अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसे रहती है, भाई 1 नंबर रहती है ना ही तो इसके अंदर कोई गेयर वाइब्रेशन के लिए देखने के लिए मिलता है ना ही कुछ। देखो अपने पास ट्रक जा रहा है जो कि यार
होंडा इमेज का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, क्या ही बताया यार, ट्रकों पे भी एडवर्टाइजमेंट चल जाता है यार। नहीं तो अपने को इसके अंदर देखो कोई खर्चा देखने के लिए मिलता है, नहीं और कुछ। कई यार सोचते ही है बस यार 9 लाख की एम आई ऐसे वैसे पता नहीं क्या ही क्या सोचने लग जाते हैं, पर यार ऐसे सोचने से कुछ नहीं होता। बस यार एक बार आपको गाड़ी किसी को ऑन करनी है ना, वो इतना कुछ नहीं सोचता। जैसे कि आपको कई यार लवर मिल जाएंगे व्हीकल्स के, जो कि गाड़ी को लेने से पहले कुछ भी नहीं सोचते भाई, यही तो रहता है गाड़ी का। अगर आप लोगे ना गाड़ी को, मतलब मान लो कुछ भी एक्स वाई जेड यार, आप गाड़ी लेने जा रहे हो तो आप यार एवरेज को देख के जाओगे तो आपके पास कई ऑप्शन रहेंगे कि इसके आज ज़्यादा एवरेज, पर वो गाड़ी के अंदर यार इतनी कोई फीचर देखने के लिए नहीं मिलता है, ना ही उसके अंदर पावर देखने के लिए। 800 ले लो यार, 22 का एवरेज देती है, क्या ही बात कर रहे हो यार, यही तो है भाई। इसके अपने को देखो 1 साल होने लगे आया है कि इसके अंदर कुछ भी इतना कोई जीरो कॉस्ट मेंटेनेंस देखने के लिए मिल जाता है, मैं इसके अंदर कोई भी इतनी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई जो कि अपने लिए मतलब कुछ ज़्यादा ही खर्चा मोटा आ जाए इसके अंदर। वही तो यार,